नवरात्रि माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम काल रात्रि माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तंग सब उनके जुल्मों से आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शक्ति के आगे कुछ कर ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। काल को खुद ही बुलाया है, देवत दानो मानो तो उन्हें सकते हैं नहीं मार। आदि शक्ति करने आए खुद उनका संहार।
सभी देवता फिर माता का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सात विनौराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से फिर तो है बनाई उस कन्या को माता ने है कौशिक नाम दिया, जा पर्वत पर बैठ गई वह अपना ध्यान लगा लगा, देवताओं को होगा अब कुछ तो समाधान, आदि शक्ति माता करेंगी सबका ही कल्याण, बैठ के पर्वत पे माता ने ध्यान लगाया, एक सैनिक फिर सुंभ निसुंभ करने विचरण आया, कौन है कन्या बैठी ध्यान में जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सात विनौराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिसके बारे में मुझको रहा पता, देखने उस कन्या को सुंभ तो पर्वत पर आया, उसका सुंदर रूप देख कर वो तो चकराया, बोला उस कन्या से मैं तुम्हें हर के ले जाऊं, अपने भाई निसुंभ की अर्धांगिनी तुम्हें बनाऊं, आदि शक्ति है साक्षात वो जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सात विनौराते में जिनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। की नारी ही मुझे मारे, इसीलिए तो सुंभ लौट कर वापिस आता है, चंड मुंड उनके सेनापति उन्हें पठाता है, बोला जाकर उस कन्या का करके हरण लाओ, करने लगे युद्ध जो फिर उसको सबक सिखाओ, चंड मुंड अपनी सेना को आए हैं लेकिन युद्ध में माँ सेना को चने चबाए हैं, चंड मुंड सारी सेना संग मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सात विनौराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जितना रक्त गिरे उतने दानव बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। किया प्रहार लगी है बहने उसके तन से, फिर तो रक्त की धार गिरे रक्त धरती पर, जितना रक्त बीज बनते रणभूमि में फिर आई माँ काल रात्रि बनके। रणचंडी बोली काली से जिह्वा तुम फैलाओ, गिर ना पाए रक्त धरा पे सारा ही जाओ। जितना रक्त बहेगा पापी हो जाए कमजोर, रणभूमि में फैला दो तुम जिह्वा चारों, देखें कब तक ये पापी हमसे बच पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। गिरने पाया जितना पीती रक्त वो उतनी होने लगी खूंखार, दानों दल में मच गई भक्तों फिर तो हाहाकार। शीश काटती चंडी काली रक्त पान करती, लगे बिखरने अंग दुष्टों के भर गई ये धरती। रक्त बीज और चंड मुंड सब मार गिराए हैं, सुंभ निसुंभ भी माँ के आगे बच नहीं पाए हैं। सभी देवता माता के जयकारा लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार।
ना शांत हुआ। सब देवों को अब तो यही चिंता रही सता, क्रोध में है माँ काली कैसे शांत किया जाए। दौड़े दौड़े भोले के वो पास में है आए, रणभूमि में लेट गए हैं भोले फिर आकर। हुआ क्रोध फिर शांत है माँ का पाँव से जो छू कर, काली रूप में माता दुष्टों के लिए खूंखार, लेकिन अपने भक्तों पर माँ सदा लुटाती प्यार। करती भय से मुक्त जो इनका ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार, भक्तों को लगाए पार। नौरातों का त्योहार, भक्तों को लगाए पार। श्याम वर्ण है माता का और बिखरे हुए बाल, काल रात्रि रूप में आई दुष्टों का बन काल। तंत्र साधना भक्त कोई जो करना चाहते हैं, माता काली का ही वो तो ध्यान लगाते हैं। काल रात्रि रूप की पूजा सातवें दिन की जाए, अपने प्यारे भक्तों पर माँ कृपा बरसाए। हंस राज रलहन है करता आज तुम्हारा ध्यान, डीएस पाल भी सुमर शारदा करता है गुणगान। महिमा फौज सुरेश आपकी लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं नौरात।